हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राइडर बाय पॉल। मैं हूं सौरभ। आज मैं थोड़ा निकल रहा हूं, एक छोटा सा काम था मेरे। एक्चुअली एक डॉक्टर ने मेरे को एक दवाई का सैंपल मांगा था, इसके वजह से मुझे निकल ना पा रहा है। तो जब मैं निकल रहा हूं ये सोच के, तो मैं सोच लिया चलो एक ब्लॉग भी बना देते हैं। एक्चुअली आप लोगों को एक छोटा सा दुर्गापुर का टूर भी हो जाएगा, इस लॉकडाउन चलते हुए कैसा यहाँ पे सिचुएशन से वो थोड़ा आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कैसे लोग यहाँ पे चल रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। वैसे आज का डेट जो है वो है 2nd of May 2020। अभी टाइम होने जा रहा है लगभग 3 बज रहा है, देखते हैं। चलिए एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए मेरा ब्लॉग। पहले तो मैं यहाँ से जाऊँगा एक मैकेनिक के पास, रॉयल इनफील्ड जो मेरे बाइक को सर्विस करता है उसके पास जाऊंगा। एक्चुअली कुछ दिन से मेरे इसमें इस साइड में थोड़ा एक घर 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 करके आवाज़ हो रहा था, उसी को थोड़ा चेकअप करा लेता हूँ, फिर जाएंगे विधाननगर। अरे क्या हुआ, स्टार्ट क्यों नहीं ले रहा है? ले लिया, चलो। दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल में नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ब्लॉग को पूरा देखिए, लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप लोग, वो आपकी मर्ज़ी है। चलिए, और अभी तो रॉयल इनफील्ड का सर्विस या शोरूम बोल सकते हैं वो तभी बंद है। तो एक लोकल मैकेनिक है जिनसे मैं कई बार काम करा चुका हूँ, उसी को थोड़ा दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उसको मैंने फ़ोन किया था, वो घर पे है कि नहीं पूछा तो बोला कि हाँ वो घर पे है और मेरे को बुलाया 3 से 3:30 के बीच। ठीक है, कोई बात नहीं, ये काम कंप्लीट करके ही, वो बोला 10-15 मिनट का थोड़ा काम है, आप आ जाओ मैं करके देता हूँ, फिर मैं अपने काम के लिए निकलूँगा। और वो मैकेनिक का वीडियो मैं नहीं करूँगा, वो जैसा काम करेगा वही सिर्फ दिखाऊँगा, उसका मुंह नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि वो बहुत जान पहचान वाला आदमी है, उसको दिखाने से मतलब थोड़ा तकलीफ़ हो सकती है। मतलब उसका चेहरा मैं ये वीडियो में नहीं दिखाऊँगा, सिर्फ उसका काम दिखाऊँगा। चलिए आप इन्जॉय कीजिए, आपका मुंह नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे। मेरा हाथ सब पहचानता है, कोई नहीं पहचानेगा। हो गया बस, वहाँ से ना बस यहाँ का काम हो गया मेरा। चलिए यहाँ का काम मेरा हो गया है, अभी चलते हैं विधाननगर उस डॉक्टर को दो सैंपल्स, दवाई का सैंपल्स मुझे देना था। चलिए मिलते हैं हाईवे पर। और दोस्तों मेरा जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था लास्ट वीक को, वो वीडियो था CSR इनिशिएटिव बाय IBRMC। हमारा जो IBRMC राइडिंग क्लब है उसमें से हम लोग एक CSR एक्टिविटी का ऑर्गेनाइज़ किए थे, उसका वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक में जाके आप लोग देख सकते हैं। करीब करीब मैं पहुंच गया हूँ हाईवे पर, अभी इधर से लेफ्ट लेना पड़ेगा। वैसे बहुत दिन हो चुका है हाईवे पे नहीं आया हूँ, बहुत बेताब था के कहीं किसी दिन तो निकलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं घर पे बैठे बैठे थोड़ा बोर भी हो रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बस मेरा अपना बर्ड मेरे साथ अगर रहेगा तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा इसके साथ एंजॉय करता हूँ। ये मेरी जान है, ये मेरी बर्ड है, ये इसका नाम है बर्ड, मैंने रखा है, बहुत ही प्यारा है मेरा। अगर इसको कुछ हो जाए ना तो मेरा दिल बहुत दुखता है, इसलिए वो जो घर 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 आवाज़ हो रहा था इसी को थोड़ा
फिक्स करने के लिए मैंने उसके पास उस मैकेनिक के पास गया था। अभी इसको थोड़ा खींच के देखता हूँ। अरे यार वाइब्रेशन भी कम हो गया, वो 90 में चल रहा है लेकिन नो वाइब्रेशन, लेस वाइब्रेशन, शायद उसके वजह से भी वाइब्रेशन करता है अगर वो चेन अगर ढीला रहेगा तो। अभी यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे सारे ढाबे बंद है, ट्रक भी नहीं चल रहा है। वैसे दुर्गापुर के लोग बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं इस लॉकडाउन का। हम लोगों का गवर्नमेंट पहले से ही और 17 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिए हैं। मालूम नहीं क्या होगा इसके बाद का सिचुएशन, लेकिन लॉकडाउन से कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। एक फ़ोन आ रहा है। बस दोस्तों मेरा काम यहाँ पे हो गया है। मैंने डॉक्टर को अपना दवाई का सैंपल दे दिया है। अभी चलते हैं घर की तरफ और लॉकडाउन का सिचुएशन और जितना भी नज़र में आएगा आप लोगों को दिखा देंगे। देखिए एकदम सुनसान सड़क, छोटा छोटा डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुला है। नहीं एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे दुर्गापुर शहर में लॉकडाउन बहुत अच्छी तरह से लोग पाल रहे हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है अपने दुर्गापुर में लगभग 6 लाख, कुछ ज़्यादा नहीं है, तो देखकर पता चल रहा है हाँ यहाँ के लोग बहुत कंसियस है अबाउट द सिचुएशन, इसीलिए घर पे ही सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी किधर से जाऊँ, इधर से ही जाता हूँ, हाईवे नहीं पकड़ूँगा, अंदर से जाता हूँ। अभी यहाँ से लेफ्ट ले लेता हूँ, थोड़ा सिटी सेंटर का सिचुएशन थोड़ा देख लेते हैं कैसा है, वहाँ पे लॉकडाउन कैसे पालन कर रहे लोग। सच में मेरे को देख के ये बहुत खुशी हो रही है कि अपने दुर्गापुर के जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ये इसको मेंटेन कर रहे हैं इस लॉकडाउन को, और ये गवर्नमेंट को भी बहुत सपोर्ट दे रहे हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही डिसिप्लिन्ड पॉपुलेशन है अपने यहाँ पे दुर्गापुर का। थोड़ा एटीएम चलता हूँ, कुछ पैसे उठाना पड़ेंगे। दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी सिटी सेंटर की तरफ, अभी उधर से ही हाईवे पकड़ के घर चला जाऊँगा। इधर दिखाने का कुछ नहीं है आप लोगों को, जस्ट सिचुएशंस दिखाने के लिए मैंने लाया था लॉकडाउन का। तो यहाँ पे बात है कि लॉकडाउन का सिचुएशन बहुत ही अच्छी तरह से पालन हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं लोग। मुश्किल तो इन लोगों का है, देखिए कैसे रास्ते में घूम रहे हैं। उस दिन जब CSR एक्टिविटी हम लोग कर रहे थे तो हम लोग सिर्फ इन्हीं लोगों को खबर बांटा था, किसी सोसाइटी में किसी कॉलोनी में जाके नहीं, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है उस सपोर्ट की जो हम सबको प्रोवाइड करना चाहिए एज ए ह्यूमैनिटी। हम लोगों को सब कुछ देखना चाहिए, तो हम लोग ये इनिशिएटिव बहुत बखूबी से निभाया था। हम लोग यही बोलेंगे, मैं यही बोलूँगा आप लोगों से, छोटा ही सही कुछ कर दीजिए, उसी में आनंद मिलेगा आप लोगों को, बहुत ही आनंद मिलेगा। एक स्मॉल इनिशिएटिव था हम लोग की तरफ से।
27 मेंबर्स कंट्रीब्यूटेड इन दैट इनिशिएटिव। मैं वो नहीं बोलूँगा कितना करके हम लोग दिए थे, बट जो दिए थे बहुत ही मामूली था। उतने सपोर्ट में अगर 27-30 आदमी अगर देते हैं तो 80-85 लोग ऐसे ही खाना, 2-3 दिन का खाना हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। बस यही बोलना चाहता हूँ, आप लोग भी कोशिश कीजिए उन लोगों के लिए कुछ करने के लिए जो लोग मजदूर हैं, जो लोग डेली लेबर्स हैं। उन लोगों के पास अभी कोई काम नहीं है, वो लोग डेली इनकम करते हैं और डेली खाते हैं, ऐसे टाइप के लोग हैं वो। तो उन लोगों को थोड़ा हेल्प कीजिए आप लोग भी। मैं अभी सिटी सेंटर बस स्टैंड के तरफ जा रहा हूँ, उधर से हाईवे पकड़ के मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। इतना बाइक्स, इतना लोग खड़े हैं, अच्छा वही रेशन सप्लाई वही है, लोग रेशन कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। ए बाबा तो बंद हो, अरे ये यहाँ का रास्ता बंद है, चलिए घूम के फिर उधर से ही जाते हैं। ये कोर्ट का रास्ता है, इधर से कोर्ट जाता है, हम लोग का दुर्गापुर कोर्ट हो यहीं पे है। ये बस स्टैंड है, एकदम बस स्टैंड के बगल में यही कोर्ट बिल्डिंग है, ये जो दिख रहे हैं यही कोर्ट है। एकदम सुनसान, वैसे डेली लाइफ में यहाँ पे इतना जैम लगा रहता है यहाँ पे बस का, कोई गाड़ी इधर से उधर नहीं जा सकता, इतना जैम होता है। अभी देखिए लोग एकदम शांत हो चुके हैं यहाँ पे। ये बाएं तरफ जा रहा है जंक्शन मॉल वो है, आज उधर से नहीं जाऊंगा, इधर से सीधा जाके लेफ्ट लेंगे तो हाईवे पर पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी भीड़, देखिए एक बात बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग भीड़ करके नहीं, एक गैप में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं। और हम लोगों के जो दुर्गापुर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस है वो उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं ताकि कोई मिसअप ना हो, किसी में झगड़ा ना हो, कोई मिसअप ना हो। गवर्नमेंट को भी ऐसा ही काम करना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, नीडी पीपल को ज़रूर सपोर्ट देना चाहिए। बस और कुछ ही दूर मैं पहुंच जाऊंगा अपने घर, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है अपना घर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भीड़ की मोड़ में पहुंच गया हूँ, बस सामने ही है, इधर से सर्विस रोड पकड़ के मैं राइट ले लूँगा भीड़ की मोड़ से घर। देखिए यहाँ पे भी रेशन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, मैं पहुंच गया हूँ मेरे घर। एकदम अंदर घुसा देता हूँ क्योंकि और निकलना नहीं मेरे को, शाम को भी नहीं निकलूँगा, तो बाइक को एकदम पार्क करा देता हूँ।
पहुंच गया हूँ अपने घर पे। बस एक छोटा सा व्लॉग करने के लिए निकला था, एक्चुअली एक काम था उसकी वजह से मुझे निकल ना पड़ा था। तो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसे वैसे मत निकलिए घर से, घर के बाहर। लॉकडाउन चल रहा है अभी, लॉकडाउन को एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, ऐसे करके बाहर मत जाइए। आज मैं गया था, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक डॉक्टर को एक मेडिसिन का सैंपल देने के लिए गया था। तो सोचा जब बाहर ही जा रहा हूँ तो व्लॉग क्यों ना बनाऊँ, तो इसलिए ये व्लॉग था। आप लोग अगर एंजॉय किए हैं तो लाइक ज़रूर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिल जाए। वंस अगेन, स्टे ट्यून्ड विद राइडर बॉय पॉल। बाय बाय।